आज हम आपको बताने जा रहे हैं कपड़े से वशीकरण। जी हाँ, स्त्री वशीकरण का सबसे बेहद आसान तरीका जिसके द्वारा आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कपड़े से वशीकरण करने का बेहद आसान तरीका, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वस्त्र वशीकरण क्रिया आपको लाल किताब टोटके में भी मिल जाएगी। जी हाँ, इसके द्वारा आप लड़की के अंडरगार्मेंट से वशीकरण कर सकते हैं। ये जादुई मंत्र कपड़े से वशीकरण करने का तरीका है। किसी को भी वश में करने के लिए अपने नाम से वशीकरण, फोटो से वशीकरण या फिर आप मिठाई से भी वशीकरण करते होंगे, लेकिन आपको बताते हैं बेहद आसान तरीका कपड़े से वशीकरण का, और उसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप जिसे वश में करना चाहते हैं उस महिला का पहना हुआ कपड़ा आपको लेना है, दो हरे नींबू लेने हैं और एक शहद लेना है। वस्त्र से वशीकरण करने के लिए शनिवार के दिन सुबह नहाकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा दें। इसके बाद कोई ऐसी जगह जाएं जहां कोई ना हो और नींबू पर आप जिस स्त्री को वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। दूसरे हरे नींबू पर अपना नाम लिखें और दोनों नींबू को उस कपड़े में लपेट दें। इसके बाद वस्त्र वशीकरण मंत्र का 101 बार जाप करें, इसे मोहिनी मंत्र भी कहते हैं। इसके बाद जिस नींबू पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उस नींबू का रस शहद में मिला लें। पहले नींबू को काटें और उसका रस शहद में मिला दें। अब एक डब्बी में उस व्यक्ति के पास ये रस ले जाएं जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अपने हाथ में पकड़कर उस व्यक्ति के आगे 7 बार वस्त्र वशीकरण मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से वो स्त्री आपके वश में होगी और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगी। इसका उपयोग आप किसी भी स्त्री को, महिला को, बीवी को, पत्नी को या फिर लड़की को वश में करने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो था कपड़े से वशीकरण। अगर आप इसको खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे गुरुजी आपको ये करके देंगे। जी हाँ, बेहद आसान तरीका है, लेकिन आप हमें कॉल करके भी ये करवा सकते हैं। तो वशीकरण करवाने के लिए हमारे नंबर्स पर तुरंत कांटेक्ट करें। लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन कांटेक्ट करें अघोरी बाबा जी को। उनका नंबर है +91 9896 37 2776।